नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के लिए देश भर में तैयारियां चल रही हैं और कई शहरों में गरबा के लिए पंडाल लग रहे हैं। गरबा के आयोजन के बीच बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर कैसे रोक लगाई जाए। इंदौर से बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने के लिए लोगों का गौमूत्र टेस्ट करवाने को कहा है, यानी गरबा पंडाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जो गौमूत्र पिएंगे। अब इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई। कांग्रेस इस तरह के बयान पर तंस कस रही है तो बीजेपी उनके नेता के इस बयान का समर्थन करती नजर आ रही है। अब सवाल है कि क्या गौमूत्र पीने के बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी? क्या गौमूत्र पीने से ही हिंदू होने का सर्टिफिकेट मिलेगा? आज आपकी आवाज में चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, गरबा में गौमूत्र पिलाकर भाईजान की पहचान करेंगे। नवरात्रि में इंदौर के गरबा पंडालों में एंट्री के लिए बीजेपी नेता ने गौमूत्र पिलाने की वकालत की। गरबा पंडाल में गौमूत्र वाला कवच लगाने की वजह समझिए। बीजेपी नेता का दावा है कि गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में रोकने का ये सबसे बेस्ट तरीका है और सिर्फ उन्हीं लोगों को पंडाल में दाखिल होने दिया जाएगा जो एंट्री गेट पर गौमूत्र टेस्ट में पास हो जाएंगे। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और बीजेपी जिला अध्यक्ष को गौमूत्र भेंट कर हमला बोला। तमाम ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बयान इसलिए देते हैं कि उनको टीआरपी मिले या कहीं ना कहीं छपास का एक जो उनमें रोग है उस रोग की पूर्ति हो जाए, तो ऐसे ही बयान भाई चिंटू वर्मा ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में जो भी व्यक्ति जाता है उसको गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, तो मैंने आज चिंटू वर्मा जी को एक डजन गौमूत्र की बोतलें भेजी है, पहले वो खुद स्वयं सेवन करें और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता अतिथि बनकर अगर जाते हैं गरबा पंडालों में तो वो भी उसका सेवन करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि सिर्फ ये छपास के लिए उनके द्वारा दिया गया बयान है। इस बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। गौमूत्र पीकर गरबा में एंट्री एक नया सियासी मुद्दा है और कांग्रेस इसी पर बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी खुलकर गौमूत्र पीने का पक्ष ले रही है। माता रानी का इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, माता रानी को सब पूछते हैं, लेकिन भाजपा के नेता इन मुद्दों पर भी आकर गौमूत्र जैसी बातें करते हैं। क्या गौमूत्र पीकर ये साबित करना रहेगा कि कौन किस धर्म का है? ये त्योहार तो हर धर्म का है, ये विविधताओं का देश है, हर संस्कृति को मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके की बातें करके माहौल खराब करना चाहती है भाजपा तो ये जनता देख रही है। देखिए, सनातन धर्म में गौमूत्र की अपनी एक पवित्रता है, लेकिन इसकी समझ सिर्फ उसी को होगी जो सनातन धर्म हमारे भारत की संस्कृति संस्कार इसको समझता हो। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता इसको समझते हैं। कांग्रेस के जो नेता जो एक विशेष समुदाय को अपना वोट बैंक मान के सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं वो हमारे सनातन को नहीं समझेंगे और वो इस बात को भी नहीं समझेंगे। अब नेताजी ने आइडिया दे तो दिया है, लेकिन इसका कितना पालन गरबा समितियां करेंगी इसको लेकर अभी सस्पेंस है, क्योंकि नियम सिर्फ बना देने की बात नहीं है, बात है गरबा करने के लिए आने वालों की। क्या वो गौमूत्र पीकर गरबा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, फिलहाल इसकी चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।